फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है लाइव दर्शन श्री कृष्णा जन्माष्टमी 2021 जन्मभूमि मथुरा। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर उससे पहले यस आप सबको बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पूर्व की संध्या है जिसमें कि मथुरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज यहाँ हम खड़े हैं डी गेट चौराहे पर, जहाँ पर कि किस तरीके से भव्यता से सजाया गया है इस पूरे बाजार। आप देख सकते हैं चौराहे को जबरदस्त लाइटिंग की गई है और इस तरीके से इसको पूरा सजाया गया है कि देखने जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, बाहर से आने वाले और यहाँ के लोकल व्यक्ति, सभी लोग इसको देख के बहुत ही प्रफुल्लित है। इस तरीके से जबरदस्त सजाया गया है पूरे बाजार को। लगातार हर चौराहे और तिराहे पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद एवं नगर निगम के द्वारा, दोनों के मिलकर इस व्यवस्था को संभाला है। वहीं कल योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका भी आने का प्रोग्राम बना है, वो भी कल जी के जन्म स्थान पर मथुरा में आ रहे हैं और इसी में क्रम में इस पूरे व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे मथुरा शहर को सजा दिया गया है। आप हमारे साथ देखते रहिए हमारे अन्य। अब हम लेके चलेंगे आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार पर, जहाँ पर कि हमारे साथी वरिष्ठ साथी मोहित चतुर्वेदी आगे के आपको जानकारी देंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था वहाँ की गई है। इस वक्त मौजूद है श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर के बाहर। ये आपका मुख्य द्वार है जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आकर्षक विद्युत सजावट के बीच में रंग बिरंगी रोशनियों से नहाता हुआ ये श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पर। यदि गुंबद से बात करें तो गुंबद से लेकर के नीचे तक चारों ओर आकर्षक लाइटें इस समय चारों ओर जगमगा रही हैं झिलमिलाती लाइटों के मध्य में। इस समय पूरा श्री कृष्ण जन्म स्थान परिक्षेत्र अलग ही विहंगम छटा बिखेर रहा है। वहीं पर मुख्य द्वार के बाहर ही दर्शनार्थियों की लाइन क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और सभी के मन में एक उत्सुकता है कि उस अजन्मे के जन्म के महापर्व के वो एक बार फिर से साक्षी बने और उस नंदलाला कन्हैया के द्वापर काल में हुए जन्म के एक बार फिर से वो दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाएँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये वो मुख्य मार्ग है जो श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र के लिए सीधा सीधा मुख्य द्वार के लिए आता है। इस श्री कृष्ण जन्म स्थान के कुल तीन द्वार हैं जिसमें ये द्वार मुख्य है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से पब्लिक का रेला नजर आता है। ये धर्म प्रेमी वो जनता है जो सभी कुछ भुलाकर उस द्वापर काल में हुई लीला के एक बार फिर से साक्षी बनने को बेकरार हैं, बेताब हैं और उस अजन्मे के जन्मोत्सव के महापर्व में स्वयं को शामिल करने की उत्सुकता उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से साफ नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रज मंडल का सबसे प्रमुख उत्सवों में से एक माना जाने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, इस पर्व में शामिल होने के लिए स्थानीय सहित दूर दराज से श्रद्धालु भक्त यहाँ आ चुके हैं। सोमवार को ये महापर्व सम्पन्न होगा और मध्य रात्रि ठीक 12 बजे पर अजन्मे के जन्म का वो उत्सव एक बार फिर से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया जाएगा। हालांकि सभी मंदिरों में और देवालयों में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा इस समारोह को, इस महोत्सव को यादगार बनाए जाने के लिए समूचे ब्रज मंडल को एक दुल्हन का स्वरूप प्रदान किया गया है। चारों ओर आकर्षक लाइटें लगवाई गई हैं, रंग बिरंगे कपड़ों के माध्यम से मथुरा शहर के चौराहे और तिराहों को दुल्हन की तरह से सजाया गया है और इसके बीच में यहां आने वाले श्रद्धालु भक्त अपने आप को ब्रजमंडल में मौजूद रखकर स्वयं को धन्य पा रहे हैं और उनके चेहरे से ये खुशी, ये प्रसन्नता स्पष्ट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से चारों ओर भीड़ का रेला है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे करके ये भीड़ और बढ़ेगी और सोमवार की रात को यह पूरा क्षेत्र, जहां कहीं कहीं आपको जगह दिखाई दे रही होगी लेकिन सोमवार की रात यानी कि कल रात को ये नज़र नहीं आएगी जगह, यहां सड़क नज़र नहीं आएगी, चारों ओर दिखाई देगा तो भीड़ का रेला।
भक्तों का अपार जनसमूह। साथ ही इन सभी को व्यवस्थित और सुदृढ़ तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए शासन के निर्देश पर पुलिस की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं। मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर किया गया है, सेक्टरों में पूरे क्षेत्र को विभाजित किया गया है। स्थानीय सहित अन्य जनपदों से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस कर्मियों की पीएसी की ड्यूटी यहां पर लगा दी गई है, जो अपने अपने ड्यूटी समय के अनुसार अपने अपने पॉइंटों पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। और सभी का यही प्रयास है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं, यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और वो सुगमता से अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये श्री कृष्ण जन्मस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। भक्त यहाँ पर आकर सेल्फी का क्रेज आज के समय पर सबसे बड़ा चल रहा है, सेल्फी लेने में मशगूल हैं। सभी कुछ न कुछ अपने साथ यादगार लम्हे अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आराध्य के दर्शनों के लिए ब्रजमंडल में आए, मथुरा में आए, श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन प्राप्त किए और उसको वो यादगार स्वरूप अपने मोबाइल में कैद कर अपने गंतव्य को लेकर के जाएंगे, जहां अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारिक जनों को बताकर वो अपनी एक स्मृति सजो कर रखेंगे। ये सारी मन की भावनाएँ हैं। अजन्मे के जन्म का वो महापर्व जो द्वापरकालीन युग में मथुरा के राजा कंस के कारागार में जब कृष्ण ने देवकी के 8वें गर्भ पर जन्म लेकर अत्याचार का अंत करने के लिए यहाँ पर प्रादुर्भाव किया, ये माना जाता है। यहाँ पर भक्तों की अपार आस्था है और उस पर्व का एक बार से फिर से साक्षी बनेगा पूरा ब्रजमंडल, यहाँ आने वाले तीर्थयात्री और श्रद्धालु और यहाँ रहने वाले वो तमाम ब्रजवासी जो इस पल इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बीते एक वर्ष से। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत प्यारा था, जो मंदिर दिखाया उन्होंने अंदर से नहीं दिखाया, होप तो ये थी कि थोड़ा अंदर से भी दिखा दे, पर इतनी भीड़ में कैसे दिखाएंगे, पॉसिबल भी नहीं है। पर देख लो, दूर दूर से आए हैं श्रद्धालु। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर जो था, ये हमने इसी का देखा था, पर तब ये सब बंद था, मतलब अंदर जाना अलाउड नहीं था कोविड की वजह से, तो लास्ट ईयर तो इतनी सेलिब्रेशन हुई नहीं थी, पर आप वीडियो से देख सकते थे जो पूजा वूजा हो रही है। पर आज इस बार ही लगता है कि उन्होंने खोल दिया है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट टाइम नहीं जा पाए तो सब इस बारी तो ज्यादा ही जोरों शोरों से होगा। तो और बोल भी रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, पर बहुत सुंदर, जैसे कि है ना, पूरा ऐसे लग रहा था जैसे मथुरा नगरी जो है दिवाली की तरह जो है उन्होंने उसको पूरा लाइट्स और उससे जगमगा दी। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, वेरी नाइस टू सी कि बहुत सारे लोग जो है अभी से रेडी हो रहे हैं। और जैसे कह रहे हैं, बाद में इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको रोड तक नहीं दिखेगी, मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, उसके इतने लोग आएंगे। और काफी लोग मेरे ख्याल से वहीं पर ही रुके हुए हैं, मतलब ऐसे वहीं लेट गए हैं कि चलिए अभी एक्टिविटी होगी रात के 12 बजे मेन उनको देखना है तो उसके लिए, और कुछ लोग अंदर भी जा रहे हैं। पुलिस का काफी अच्छा प्रिपरेशन भी था। और देखिए, सबको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हर साल आते होंगे, और कैसे उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है, पूरी लाइटिंग की है, तो बहुत ही अच्छा लगा। पुलिस भी चेकिंग कर रही थी पूरा कि कोई इस टाइप की कोई अकरेंस नहीं हो, सेफ्टी के लिए एक एक को चेक करके अंदर लेके जा रही हूँ। जगह जगह पुलिस भी खड़ी हुई दिख रही थी, पुलिस की गाड़ी भी थी, पुलिस भी थी। तो अरेंजमेंट इतने लोगों को, सारों को मेक श्योर करना कि सब कुछ सेफ हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत टफ काम होता है, पर कर रहे थे, वो अमेजिंग है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। होप करते हैं कि आपको भी दर्शन हुए होंगे, आप भी मंदिर गए होंगे। हम तो जाते थे, लेट जाते थे, और वहां पे जाके हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था उनको झूला देना, दैट वाज द बेस्ट पार्ट हमारे लिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। जय श्री कृष्णा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।